नमस्कार मित्रों, मित्रों आप लोग इस वीडियो में यादवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के मान सम्मान तथा उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहे हैं इस बात को जानेंगे तथा यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना किस नक्षत्र में तथा किस दिन को किए। इसके साथ ही यादवों से संबंधित और भी जानकारियां इस वीडियो में मिलेगी, जिसका वर्णन महाभारत के खिल भाग के विष्णु पर्व के अध्याय 56 और 57 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। किसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से यह हेतु युक्त उत्तम वचन कहा। यह राष्ट्र की माला से अलंकृत मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी के ब्रज में पलकर बड़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से बैर मोल ले लिया और जरासंघ से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन हैं, पैदलों की संख्या भी अत्यंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न हैं तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है, परंतु यह मथुरापुरी की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमता पूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। हमारे पास ये जो 1 करोड़ कुमार अविवाहित सैनिक हैं तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल हैं, इनके भी यहीं रहने से यहाँ बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदुपुंडवों, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस दृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे द्वारा हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समय अनुसार आप लोगों के उद्भव के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभो, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभीष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब पुनः सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने यादवों से फिर कहा, आज ही वह पूर्ण दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। तब यह सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वह स्थान बालू के समान ही ताबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था। यदुप्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्व करके वन के भीतर बैठे। उस समय कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदुनंदन श्री कृष्ण के पास आ गए। तब श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर विपुल पुड़िया घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने यादवों से कहा, यादवों, मैंने देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है जिससे इसकी ख्याति होगी। मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई यह पुरी द्वारवती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमरावती के समान रमणीय दिखाई देगी। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अपने कुल तथा वंश के उत्थान और सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग एवं प्रयत्नशील रहते थे और सभी यादव उन्हीं की छत्र छाया में अपनी मान मर्यादा को बनाए रखते थे। किंतु आज के समय में कुछ ऐसे नाजायज लोग हैं जिनकी कोई जान न पहचान है और न ही कहीं उनका किसी पुराण में वर्णन ही मिलता है। वे बड़े बेशर्मी के साथ यादव बनने के लिए परेशान रहते हैं। किंतु जब कोई यादवों को शूद्र कहता है
तब ये बेशरम उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप सुनकर मजा लेते हैं। फिर समय समय पर ये बेशरम अपने को यादव बनने से बाज नहीं आते हैं। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।